हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए बात करते हैं चुप मूवी का। चुप मूवी का इतना ज़्यादा क्रेज है ना, इतना ज़्यादा पब्लिक इस मूवी को वेटिंग कर रहे हैं, इतना ज़्यादा इस मूवी को पब्लिक अच्छा बता रहे हैं ना, कि हमको लगता है कि जो मूवी आया हुआ था 1993 में, डर मूवी, जो सनी देओल साहब और जूही चावला और SRK यानी किंग खान यानी शाहरुख खान का जो मूवी था, उस मूवी का रिकॉर्ड बनाने वाली है ये चुप मूवी। क्योंकि जो काम जो उसमें डर मूवी में हुआ था, जो हीरो से ज़्यादा विलन को याद किया गया था और विलन को अवार्ड्स मिला हुआ था, उस बात से कुछ सनी देओल नाराज भी बहुत दिन थे। से मेन तो हीरो वो हैं, लेकिन मिला किसको? शाहरुख खान को। तो वैसा ही हिस्टोरी इस मूवी के साथ में होने वाली है, चुप मूवी के साथ में होने वाली है। ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लोगों का हेल्प का जरूरत है, तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये नया नया चैनल है और आप लोगों का हेल्प का सहायता का जरूरत है, तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बात करते हैं से क्यों, तो इससे पहले जो वीडियो डाला हूँ उस वीडियो में सबसे ज़्यादा अगर किसी का कमेंट आया हुआ है, किसी को पब्लिक चाहने हैं, किसी को तारीफ हो रही है, तो वो है दुलकर सलमान। उन्हीं का ज़्यादा तारीफ हो रही है, उन्हीं का एक्टिंग की बात हो रही है, उन्हीं का जो बैक टू बैक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी देने वाले हैं, उन्हीं का नाम हो रही है। क्योंकि इससे पहले जो सीताराम मूवी आया हुआ था, उससे वो भी एक सुपर डुपर हिट हुआ और ये भी मूवी होने वाली है। और ऐसा पब्लिक बता रहे हैं, पब्लिक ऑडियंस किसको जाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से इसमें बात हो रही है। तो इस मूवी को अभी तक का रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन IMDB पे इसको 10 में से 8.8 मिला हुआ है रेटिंग। और इंडिया में बहुत जगह पे यानी लगभग 99% जगह पे ये वन डे में हाउसफुल चल रही है। वन डे का पूरा शो हाउसफुल है ऐसा बताया जा रहा है, ऐसा मतलब रिपोर्ट आ रही है, ऐसा मतलब ऑडियंस बता रहे हैं। और ऑडियंस का क्रेज भी देखने के लिए मिल रहा है, ऐसा इस मूवी के लिए कितना उतावले हैं और इस मूवी को कितना वो लोग चाह रहे हैं। तो ये सब देख कर, ये सब सुन कर एक बहुत ही अच्छा खासा मतलब फिल्म हो रही है। हालाँकि इसी दिन 3 मूवी आने वाली है, तो 3 मूवी में से हमको लगता है नंबर 1 पर तो चुप ही मूवी जाने वाली है और दूसरा पे जो नेपाली मूवी है प्रेमगीत 3 वही जाएगी। और धोखा जो मूवी है उसका उतना खास क्रेज नहीं लग रही है, उतना खास पब्लिक उसको नहीं समझ रही है, उतना कुछ खास उस मूवी को बातचीत नहीं हो रही है। तो सबसे ज़्यादा इसी मूवी को हो रही है, बाद में प्रेमगीत 3 का भी हो रही है, लेकिन एक वो हिंदी डब मूवी है तो उसको 2 नंबर पर रखा जा रहा है और फर्स्ट पर चुप मूवी को रखा जा रहा है। और चुप मूवी फर्स्ट डे का कलेक्शन बहुत मस्त आने वाली है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? सलमान, दुलकर सलमान का आ सकता है या सनी देओल साहब का आ सकता है फैन फॉलोइंग के हिसाब से, या 75 रुपीज़ का बात हो सकती है क्योंकि इसमें ऑफर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि दुलकर सलमान का इससे पहले जो ब्लॉकबस्टर सीतारामम मूवी हुआ वो भी एक रीज़न हो सकती है, ऐसे इस मूवी को ज़्यादा पब्लिक पसंद करने जा रहे हैं। दूसरा में 75 रुपीज़ यानी नेशनल सिनेमा डे है 30 सितंबर को, उसके वजह से ज़्यादा बुकिंग हुआ होगा। या सलमान आपको सनी देओल साहब का इससे पहले वो जो 90 के दशक में उसके बाद में मतलब जो उनका जो हर एक मूवी आया हुआ था उस वक्त में वो एकदम फेमस एक्शन मतलब हीरो थे। उनका आवाज़ उनका वॉइस A to Z एकदम परफेक्ट है। और इस मूवी से सनी देओल साहब को भी फ़ायदा हो सकती है क्योंकि गदर 2 आने वाली है, तो उस मूवी से भी उनको फ़ायदा होगी और वो भी मूवी एक सुपर डुपर हिट होगी। अब देखते हैं क्या होता है ये मूवी को, क्योंकि अभी तक का सिर्फ जो लोग देखे हुए हैं उसका रिव्यू के हिसाब से, IMDB के रेटिंग के हिसाब से, हाउसफुल के हिसाब से नहीं बता रहे हैं। लेकिन जब मूवी आएगी कल एंड टुमारो एंड फ्राइडे के दिन एंड 23 सितंबर को, तो मालूम चलेगा कि हाँ मूवी में मेन बात क्या है और पब्लिक किस हिसाब से इस मूवी को पसंद करें। ओवरऑल आप लोगों को क्या लगता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड आप लोग के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों का मदद का हेल्प का जरूरत है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर एक से एक बढ़ के अपडेट मिलता रहेगा, बहुत सारी चीज़ आती है। आज XXL का भी मतलब कुछ ग्लिम्प्स टीजर आया हुआ है, उस पर भी वीडियो बनाने, कितना वीडियो बनाएगा समझ में नहीं आता है। ज़्यादा वीडियो बनाने से और जो सब्सक्राइबर है वो लोग भी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं कि इतना वीडियो क्यों आ रही है। तो आप लोग बताइए उस पर वीडियो आए या ना आए, प्रेम गीत के ऊपर भी आए कि ना आए, धोखा मूवी पर भी आए कि नहीं है, आप लोग कमेंट बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक और अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।